देखिए आज हम लोग टमाटर की चटनी बनाएंगे और जो कि देखिए बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में। अगर उसमें सब्जी खाने का अगर मन ना हो तो इसको बनाइए और खाइए। इसको वैसे तो टमाटर का कचौला कहते हैं लेकिन टमाटर की आप चटनी भी कह सकते हैं। देखिए कितनी टेस्टी होती है ये और बहुत ही लाजवाब होता है। और चलिए हम लोग इसकी रेसिपी हम लोग जानते हैं कि टमाटर की चटनी कैसे बनाई जाती है और किस तरह से बनाई जाती है। चलिए हम लोग फिर से गैस ऑन करते हैं। एक हम लोग इसमें कढ़ाई रखेंगे। देखिए कढ़ाई हमने रखा हुआ है। और अब इसमें हम लोग तेल डालेंगे। अब हम लोग इसमें जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है हम लोग इसमें तेल डालेंगे और थोड़ी सी कढ़ाई हम लोग की गर्म हो जाए तो फिर आपको मैं बताती हूँ क्या भी करते हैं। देखिए हम लोग की कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम लोग दो जो है एक बड़ा चम्मच हम लोग ऑयल डालेंगे। मैंने ये सरसों का तेल लिया हुआ है, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो, रिफाइंड तेल डाल सकते हो लेकिन सरसों तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम लोग इसमें बटर डालेंगे थोड़ा सा। अगर आपके पास बटर ना हो तो शुद्ध घी भी आप डाल सकते हो। देखिए अब इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा मैंने एक चम्मच करीब बटर डाला है। आप कोई भी बटर डाल सकते हो। ये जैसे ही गर्म हो जाए थोड़ा सा इसको हम लोग चला लेंगे, पिघला लेंगे। बहुत ही यम लगता है ये चटनी खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और अगर आपके घर में सब्जियां ना हो, कभी अगर कोई गेस्ट आ गया हो, अगर आपको चटपटा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो। ये मैंने हाफ ही टीस्पून जीरा लिया हुआ है और हाफ ही टीस्पून मेरी राई ली हुई है। अगर राई ना हो मस्टर्ड सीड का भी प्रयोग आप कर सकते हो, अगर नहीं खाते हो तो स्किप कर लो। इसी में हम लोग 8-10 कड़ी के पत्ते डालेंगे। 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हुई है मैंने, ये डालेंगे इसके अंदर में। और ये सबको हम लोग थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी खाने में और बहुत ही यम लगती है। ये मैंने 4-5 मैंने प्याज लिए हुए हैं, इसको धो के अच्छी तरह से फाइन मैंने बारीक काट लिया है और इसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा ही लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्याज जो है थोड़ी सी हल्की गुलाबी हो जाने पे हम लोग इसको भूनेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा भूनेंगे और बहुत ही अच्छी लगती है ये जो चटनी है टमाटर की। मैंने हींग नहीं डाला था, मैं ऊपर से डालूंगी, हींग चुटकी भर हींग थोड़ा सा डालूंगी, डाला है मैंने। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे इसको हम लोग और सुनहरा गुलाबी होने तक हम लोग इसको पकाएंगे, जब तक ये पक ना जाए। देखिए कितना ही यम लगता है ये चटनी खाने में, बहुत ही टेस्टी होती है ये और आप किसी के साथ में इसको सर्व कर सकते हो।
पराठे के साथ, रोटी के साथ, चाहे आप लंच कर रहे हो आप उससे भी सर्व कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। आई होप कि आपको ये मेरी टमाटर की चटनी की रेसिपी अच्छी लगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए हल्का हल्का जो है गुलाबी होना स्टार्ट हो गया है। और इसी में हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम लोग नमक डालेंगे, जैसे कि जल्दी से प्याज जो है हम लोग के गुलाबी हो जाएंगे, मैंने इसलिए इसमें नमक डाला है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं उतनी लगती है और ना ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होती है और झटपट से ये बन जाता है। और अगर आप लोग गार्लिक जिंजर खाते हो तो वो भी आप लोग डाल सकते हो इसमें, मैंने आज नहीं डाला है, आप डाल सकते हो। थोड़ा सा हम लोग और भूनेंगे इसे जब तक ये हो रहा है। ये देखिए मैंने टमाटर लिए हुए हैं, इस तरह के लाल लाल आप लोग टमाटर लीजिएगा, इस चटनी में लाल लाल टमाटर हो तो और ज़्यादा बेटर होगा। मैंने 8-10 टमाटर लिए हुए हैं और इस तरह से धो के इसको अच्छे से बारीक मैंने काट लिया है, रफली चॉप किया हुआ है आप लोग देख सकते हो। और इसी तरह से करना है, इसमें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर ये गल जाते हैं। हम लोग अपने चिली प्याज देख लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का गुलाबी होना स्टार्ट हो गया है। और थोड़ा सा हम लोग और गुलाबी कर लेंगे, इसको हम लोग को जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का गुलाबी करना है।